को उन स्टूडेंट्स ने खुद खींच के लेके गए। जैसे कोई टीचर ट्रांसफर होके एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाती है, ऐसे ही जब डॉक्टर राधाकृष्णन गए थे, यूनिवर्सिटी चेंज की थी उन्होंने, तो उन्हें जिस बग्घी में उनके स्टूडेंट्स लेके गए उसे वो खुद खींच के लेके गए। तो एक टीचर के लिए इससे बड़ा ऑनर कुछ नहीं होता कि उनके स्टूडेंट्स उन्हें इतना प्यार करते हैं। तो मैं अपने स्कूल में हमेशा यही कहती हूँ कि सबसे अच्छे बच्चे वो जो टीचर्स को प्यार करें, और सबसे अच्छी टीचर वो जिसे बच्चे पसंद करें। जिस टीचर को बच्चे ही पसंद ना करें, मेरी नज़रों में चाहे वो जितनी टैलेंटेड टीचर हो, बेकार है, यूजलेस। मतलब बच्चों की एक एफिनिटी उस टीचर के साथ में होनी चाहिए। तो टीचर तो इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, एंड आई एम रियली प्राउड कि मुझे भी भगवान ने एक टीचर बनने का मौका दिया, और आज हम अपने साथ बैठी चार टीचर्स को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। टीचर्स के सम्मान डायरेक्ट मोबाइल पर लिखी थी, तो मैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जो कि मेरी फीलिंग्स हैं और एट रैंडम आई हुई फीलिंग्स हैं कि टीचर की परिभाषा क्या होती है, टीचर किसे कहते हैं, हु इज़ ए टीचर। इसे मैंने एक पोएम के रूप में कहने की कोशिश की है। टीचर वह कहलाता है जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर हमें बढ़ाता है। टीचर वह कहलाता है जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर हमें बढ़ाता है। शिक्षक वह कहलाता है जो अमानवीय दृष्टिकोण को मानवीय बनाता है, जो अमानवीय दृष्टिकोण को मानवीय बनाता है। शिक्षक वह कहलाता है जो असहजता को सहज बनाता है, जो असहज को सहज बनाता है। शिक्षक वह कहलाता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। शिक्षक वह कहलाता है जो इंसान को मानव बनाता है, जो इंसान को मानव बनाता है। शिक्षक वह कहलाता है जो किताबों से नहीं हृदय से पढ़ाता है, जो किताबों से नहीं हृदय से पढ़ाता है। शिक्षक वह कहलाता है जो सही गलत का भेद कराता है, जो सही गलत का भेद कराता है। शिक्षक वह कहलाता है जो शिखर तक ले जाता है। शिक्षक वह कहलाता है जो अपने शिष्यों को हीरों की तरह तराशता है, जो अपने शिष्यों को हीरों की तरह तराशता है, थपक थपक कर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाता है, उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाता है। देश के निर्माताओं को शत शत नमन।